हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिए और सर ने बताया। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 में किस प्रकार से आपसे ब्लूप्रिंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके सामने एक एक करके मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सेट वन। ये क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ याद रखिएगा, ये आप लोगों का जो होगी ये सेट वन है। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को सेट टू प्रोवाइड करें तो जल्दी से एक बार दबा करके कमेंट सेशन में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना ऐसा स्टूडेंट है जो ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। क्योंकि ब्लूप्रिंट के एग्जाम का जो मार्क्स है ना, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल के एग्जाम में काउंट किए जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग जिस दिन ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी उस दिन बिल्कुल आप लोग घर पे ना रहें, उस दिन अपने स्कूल या कॉलेज जहां भी आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होगी वहां पर जाकर 40 मार्क्स में से अगर 10 मार्क्स लाते हैं वो आपको ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका अटेंडेंस बनना चाहिए। क्योंकि ये एग्जाम चेक करेगी, फाइनल एग्जाम जब आप लोगों का हो जाएगी उसके बाद आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा 10 मार्क्स का, वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करना होगा आप लोगों का कि कितना दिन आप स्कूल किए थे, साथ ही साथ ब्लूप्रिंट में कितना मार्क्स लाए, ऑन एन एवरेज मार्क्स बैठा दिया जाएगा आपका 10 मार्क्स में कितना मार्क्स मिला है। तो बिल्कुल आप लोग ब्लूप्रिंट के एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए अपने पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो चलिए आज की जो हम लोग क्लास है पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर ने कब धर्म सुधार, यहाँ पे धर्म होगा, धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया। जो मार्टिन लूथर, सबसे पहले आपको एक बात याद रखना होगा क्या कि मार्टिन लूथर ने याद रखे किसका शुरुआत की थी, तो याद रखे धर्म सुधार पर कब किया था, ये आपसे पूछेंगे तो बताएंगे सर 1517 ईस्वी में। कब किया था? 1517। तीन क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? धर्म सुधार आंदोलन। कब हुई थी? 1517। तीन क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है मेरे लाल, आप लोग जाए प्ले स्टोर ओपन कीजिए, अभी ओपन कीजिए और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। क्या सर्च करना है? सर्च करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, जल्दी से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस कोर्स को बाय करना है। ये कोर्स जो है पूरा का पूरा सिलेक्टेड कोर्स है। क्या है? पूरा सिलेक्टेड कोर्स है, जहां पे आप इजीली से इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके बेहतरीन तरीके से आप क्लास 11 का अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप लोगों का सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिला है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट दिए जाएंगे। कितना सेट? एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट दिए जाएंगे और एक सेट में आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगा। जब इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो याद रखिएगा 200 क्वेश्चन होगी और आशा करते हैं कि सारा का सारा प्रश्न यहीं से आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया जेफरी चॉसर ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो बताएंगे सर द कैंटरबरी टेल्स। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि द कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताएंगे सर चॉसर। कौन है? चॉसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। चलिए डिस्टोन, एक आप लोगों को शेर सुनाऊं, आप लोग सुनने के लिए आप लोग रेडी होते हैं, एक बार जरूर बताइए सर आप जो शेर बताएं बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों के लिए फिट बैठता है। ये उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए फिट बैठता है जो बिल्कुल अभी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारी कहानी हम ही को पता है, हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बादी जवानी हम ही को पता है, लोगों को पता है जिंदा है हम, पर कैसे जिंदा है ये हम ही को पता है। अच्छा है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करें कि सर बहुत ही गजब की चीज बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो ये शायरी है, ये यहाँ उनके लिए फिट बैठता है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और जब उसके रिजल्ट आती है तो लोगों से पूछते हैं कि आपका रिजल्ट में कितना मार्क्स आया? तो 200। हाँ, उतना दिन से आप क्या तैयारी कर रहे थे, कैसे तैयारी कर रहे थे, आपको कम से कम 300 मार्क्स आना चाहिए, ऐसा लोग बोलेंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे थे, कैसे खाना पीना खा रहे थे, आपके पास बुक खरीदने का पैसा था या नहीं, आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का पैसा था या नहीं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट होगी ना, चारों तरफ से कॉल आएगा, कभी रिलेशन से भी, कभी फादर से, कभी मदर से, कभी आपका मामा घर से, मामी घर से, कहीं से भी कॉल आकर आपके सामने आएगी और एक ही क्वेश्चन पूछेगी कि आप कितना मार्क्स लाएं। तो उस समय अगर आप लोग चाहते हैं सर मैं मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं, तो उसके लिए आप लोग मेहनत करना होगा। तो लग जाए मेहनत, समय बहुत कम है और इतना मेहनत करें कि जहां पे आप खड़ा रहे वहां पे कोई इंसान बैठा ना रहे। क्वेश्चन पे आते हैं, छापाखाना, ये 100% फाइनल एग्जाम, ये जो मैं बता रहा हूं ना ब्लूप्रिंट तो है ही है, फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा छापाखाना आविष्कार किया था गुटेनबर्ग, ये 2024 के पेपर में 100% ये पेपर में आपको छपेगी। द प्रिंस, ये भी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम डायरेक्टली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। द प्रिंस का लेखक कौन है? बताएंगे सर मैकियावेली। कौन होगी? मैकियावेली। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए। पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ था? पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था इटली में। कहां पे? इटली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग का पुनर्जागरण योगिन प्रमुख राजनीतिक चिंतन कौन था? तो बताएंगे सर मैकियावेली भी था, दांते भी था, हॉब्स भी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 में फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना 1789 को हुई थी। कब हुई थी? 1789। इस तरह से देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता। मैंने अभी जस्ट बताया कि आपसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो मैंने अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि इसकी शुरुआत करने वाला कौन था, तो मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कब किया गया था, तो 1517। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें। खास करके जो हमारे एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने आप लोगों को PDF जो है प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जर्मनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो जर्मनी में किसानों का विद्रोह हुआ था 1525 में। कब हुई थी? 1525। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो माइकल एंजेलो। क्या था? माइकल एंजेलो। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो अभी मैंने आपको शेर सुनाया है कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि ये शेर मैं अपने तरफ से लिखा हूँ। ठीक है, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन लिख कर रख ले मेरे लाल, 2024 के पेपर में आपको डायरेक्ट मिलेगा। विलियम हार्वे ने किया था, याद रखिएगा। विलियम हार्वे ने ही रक्त प्रवाह, रक्त का परिसंचरण तंत्र का आविष्कार किया था विलियम हार्वे जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कागज का आविष्कार कहाँ पे हुई थी, किस देश में? तो सभी को पता है कागज का आविष्कार हो या मुद्रा का आविष्कार हो तो चीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कागज कहाँ से बनाए जाते हैं, तो बोलेंगे सर पेड़ों की छाल से। यह भी आप लोगों को याद रखना होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है, यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब माना जाता है? तो बताएंगे सर 1453 में। क्या बोलेंगे सर? 1453। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो अंग्रेज लोग थे वो भारत कब आए थे, 16 याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। क्या हो जाएगी? इस तरह से आपके कई प्रकार से क्वेश्चन छपेगी, पर आप लोगों को थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर ओपन करके मिसाइल क्लासेस को सर्च कर लेना और इसके बाद इस कोर्स को जरूर बाय कीजिए। आप सोचेंगे इस कोर्स का फी कितना है, तो ओनली फॉर 266। क्या है? 266। उसके बाद ये आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट के लिए, एक सब्जेक्ट का नहीं, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे जाकर प्रिपेयर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। यूटोपिया के लेखक कौन था? बताएंगे सर टॉमस मोर। कौन जाएगी? टॉमस मोर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी ने क्या लिखा था? डिवाइन जो कॉमेडी थे उन्होंने सबसे पहले डिवाइन कॉमेडी, ये 100% नहीं बल्कि मैं बोल सकता हूँ 200% आपके फाइनल एग्जाम में और ब्लू प्रिंट में दोनों जगह टपकी ही। याद रखिएगा इसका जो राइटर है दांते जी है। कौन बताया इसे? दांते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि मानवतावाद के प्रचार में किसका योगदान रहा? जो मानवतावाद है इसमें प्रचार हो रही थी उसमें किसका योगदान रहा? पाटर्क का। क्या हो जाएगी? पाटर्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगी? सी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार और शेर सुना है जल्दी बताइए। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस आप लोग अपने मम्मी पापा का जो सपना है उन सब को पूरा करके आप लोगों को दिखाना होगा। इसके लिए आपको जी दो जान लगाकर आप लोगों को मेहनत करना होगा और हर एक घर उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जिस घर से हमें ताने दिए करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिएगा। जो जो बोल रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते, उनको दिखा देना एक बार कि हमें कुछ भी नहीं, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं है। ठीक है, कोलंबस अमेरिका की कभी हुई थी? याद रखिएगा, तो बोलेंगे सर 1492। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट है ग्रेगरियो कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? देखिए कैलेंडर होगी, ठीक है कैलेंडर होगी, तो ग्रेगरियो कैलेंडर की शुरुआत जो हुई थी ना वो 1582 में हुआ था। कब हुई थी सर? 1582। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न। अगर हमसे पूछा जाएगा ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 200% खास करके एप्लीकेशन वाले ध्यान देंगे, 200% ये प्रश्न 2024 के एग्जाम में 100% बल्कि 200% छपेगी। याद रखिएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखने वाला था चार्ल्स डार्विन। किसने? याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 27। निम्न में से कौन सी समानतावादियों की एक श्रेणी नहीं थी? तो बताएंगे सर बेरन। क्या हो जाएगी? बेरन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 29 पे। दी पाइटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दिखा देखिएगा। दी पाइटा
100 नहीं बल्कि इसको भी आप लोगों को नोट करना है 200% ये फाइनल एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, तो बोलेंगे सर माइकल एंजेलो ने इसका आविष्कार किया था, किसने? याद रखिएगा जो चित्रकला है द पाइटा नामक चित्रकला, किसने आविष्कार किया था? माइकल एंजेलो। इसको भी आप लोगों को नोट डाउन करना है अपने कॉपी पे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 30 है कि हेलिस किस देश का क्षेत्र कहा जाता था? तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी यूनान। क्या हो जाएगी? यूनान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, क्योंकि मेरे लाल मेरा एक ही मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चा आकर हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा को वो हासिल कर सके, ये हमारा मकसद है। और आप लोग शेयर करेंगे तो जरूर उन सब बच्चों को, उन सब खास करके उन बच्चों को प्रोवाइड करें जो गरीब बच्चे हैं, है ना, ताकि उनको पता चलेगा कि इतना कम फी में इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग बिल्कुल आप लोग जुड़े रहें क्लास 12 का, जिससे आप लोगों को फाइनल में एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट जैसे आ जाएगा आप लोगों का लाइव क्लास चलेगी प्रतिदिन क्लास 12 का एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है, जहां पे चैप्टर को समझा जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्टेड सेट बताया जाएगा, सारा का सारा चीज बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा भी क्वेश्चन है नेक्स्ट, यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुआ था, कहाँ पे? इटली में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं सर, टैटू का आविष्कार किसने किया था? टैटू का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, याद रखिए किसने? गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 34 पे आते हैं मैं 95 थीसिस, 100 नहीं इसको 200% आप लोग सिंबल करें, 2024 के पेपर में पूछे जाएंगे, याद रखिए, याद रखिए 95 थीसिस के रचनाकार, याद रखिए क्या हो जाएगी? 1517, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता का देन है? याद रखिएगा किस प्राचीन सभ्यता की देन है आपसे पूछे गए हैं, तो यूनान की, किसका हो जाएगी? यूनान, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 37, जर्मन में किसान विद्रोह कब हुआ था? जर्मन में किसान विद्रोह हुआ था 1525 में, कब हुई थी? 1525 में, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। क्वेश्चन 30 पे आते हैं सर, सोसाइटी ऑफ जीसस क्या स्थापना की गई थी? सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना क्या था? इग्नेसियो लोयोला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है फ्रांस के नए शासक का शासनकाल क्या है? तो इसका शासनकाल होगी 1461 से लेकर 1559, क्या हो जाएगी? 1461 से लेकर 1559, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। दिन पाइटा नामक चित्रकला मैंने अभी जस्ट बताया, माइकल एंजेलो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगी, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाने से पहले अगर आप लोग चाहते सर सेट टू चाहिए हम लोगों को, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोलते, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।